प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के 21 दिनों की लॉकडाउन यानी कर्फ्यू की सूचना ने एक बार फिर लोगों में खलबली मचा दी है। आपको बता दें कि उत्तर प्रदेश के मुरादाबाद में जैसे ही लोगों को 21 दिन की कर्फ्यू की जानकारी मिली, वैसे ही लोग अपने घरों से जरूरी सामान के लिए मार्केट की ओर निकल पड़े। जिन लोगों के परिजन बीमार थे, वह लोग मेडिकल की तरफ दौड़ गए। जब हमने वहां मौजूद लोगों से बात की तो उन्होंने जानकारी देते हुए बताया कि अभी कुछ ही देर पहले हम लोगों को प्रधानमंत्री के संबोधन में जानकारी मिली है। आने वाले 21 दिनों के लिए पूरी तरीके से कर्फ्यू का ऐलान किया गया है, इसलिए हम लोग जो भी जरूरी सामान है वह खरीदने के लिए मार्केट में आए हैं। वहीं मौजूद जब एक और नागरिक से बात की गई तो उन्होंने बताया कि प्रधानमंत्री के इस फैसले का वह पूरे तरीके से समर्थन करते हैं, क्योंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जो फैसला लिया है यह राष्ट्र के हित में है। कोरोना वायरस से अगर हम लोगों को निजात पानी है तो हमें अपने घर रुककर इससे जंग लड़नी होगी और हम लोग इस जंग के लिए पूरी तरीके से तैयार है। मुरादाबाद से संवाददाता बाजी दली की रिपोर्ट। सर, ऐसी कौन सी इमरजेंसी पड़ गई आपको रात में एटीएम आना पड़ गया? जी सर, ये अभी मोदी जी की स्पीच आई थी सर, ठीक है, तो उन्होंने सबके भले के लिए ही कहा है कि जैसे हमें दिन में नहीं निकले हम अपने घर में सेफ रहें, तो जाहिर सी बात है जब हम उन्होंने हमारे लिए सोचा हमें भी उनके लिए सोचना चाहिए। हम अपना जो पैसा है थोड़ा हमने जो जमा कर रखा था वो निकाल के अपने घर में राशन भरेंगे हम, और हमारी फैमिली और हम परिवार के जो भी लोग हैं हम उनको अपने घर में रखेंगे। हमें मोदी जी की पहल के साथ हम उनके सहयोग पूरे साथ हैं। महानगर की जनता सब क्या कहना चाहते हैं? सर, मैं उनको भी यही कहना चाहूँगा कि ज़्यादा से ज़्यादा अपने घर में रहें, सिर्फ घर में ही रहें, क्योंकि हमें इसमें किसी दवाई की ज़रूरत नहीं है। हमें दूसरे को वायरस, जिसे जो वायरस चल रहा है, हम अपने आप के और दूसरे के लिए सेफ्टी कर सकते हैं। जी सर, क्या नाम है आपका? मेरा नाम आजम अंसारी है। आजम साहब, अभी प्रधानमंत्री ने एक ऐलान करा, उसको लेकर क्या कहना है आपका? देखिए, जो प्रधानमंत्री जी ने ऐलान किया है वो देश की 150 करोड़ की आबादी को ध्यान में रखते हुए किया है, और देश के प्रधानमंत्री जी ने हाथ जोड़कर लोगों से निवेदन किया है। कोरोना वायरस को लेकर जो हालात हैं वो पूरी दुनिया के सामने है, और चूंकि हमारा मुल्क में उतने इंतज़ाम नहीं है, उन्होंने कहा है कि जो हालात हैं ऐसे हालात पैदा ना हो जाएं कि हमें बहुत बड़ी दुश्वारी का सामना करना पड़े। इटली, अमेरिका, चाइना हमारे सामने उसका उदाहरण है। मैं सभी अपने नौजवान साथियों से, अपने शहर के पीतल रसकारों से और सभी एक एक बंदे से कहना चाहूँगा कि वो प्रधानमंत्री की इस बात को गंभीरता से लें, और जिन लोगों ने हल्के में लिया है उनके नतीजे हमारे सामने हैं, और जो लोग झुंड बना कर रहे हैं उन लोगों से मेरी अपील है कि वो दूर दूर रहें और इस कोरोना वायरस का मिलकर लड़ाई लें। इस वक्त ये लड़ाई ना तो नरेंद्र मोदी की है और ना किसी पॉलिटिकल दल की है, ये लड़ाई हिंदुस्तान की है और कोरोना वायरस की है, और इस वक्त राष्ट्र के साथ खड़ा होना हर आदमी का कर्तव्य है। ऐसे ही लेटेस्ट खबरें पाने के लिए बेल आइकन को क्लिक कर हमारे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। JBD Banquets लाए हैं Incredible Marriage Palace Rajgharana and the finest banquet hall Jyoti Garden. World-class catering, centrally air-conditioned, lush green lawns, state-of-the-art lightning. A perfect venue for wedding, launching and parties. Rajgharana and Jyoti Garden at JBD Banquets Enterprise.